पाकिस्तान की गेंदबाजी और अफगानिस्तान की बल्लेबाजी कोई तुलना ही नहीं है। जो बॉलर है ना वो हैरिस रूफ जी, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और वो प्रेशर डाल रहा नीचे से और गेंद भी करता है अमेरिका लास्ट ओवरों में आकर। सर 150 की भी स्पीड है, वेरिएशन इतना है कि 120 की भी स्पीड से नीचे, क्योंकि अगर आपने उसमें देखा ना गौर से देखो उधर वेरिएशन काफी। इंडिया न्यूजीलैंड को हराता तो ये तीनों टीम इक्वल हो जाती और वो शायद इंडिया के लिए बेटर होता। जय जवाब दीजिए, पाकिस्तान बाहर भी हो सकता है। केवल दुबे ठीक है, बाहर होने का क्या मतलब, गरीब फाइनल में जाके हराएंगे ना उनको यार ये ऐसी बातें मत बोलो, सीधा बोलो फाइनल में जाके हराएंगे, हिसाब बराबर होगा आपकी बार। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बल नहीं गया, मैं तो संडे आराम से चुपचाप मैच देखूंगा। मैं भी अब बोलू प्रेडिक्शन, मैं कुछ नहीं करूंगा। नहीं नहीं, मैंने एक चीज देखी है जी, क्या कहते हैं के सेरा सेरा, के सेरा सेरा उसका मतलब क्या होता है, whatever happens happens, am I right? Yes. अंग्रेज लोगों के साथ रहने के ये हैं फायदे। बड़ी अंग्रेजी का तो लफ्ज ही नहीं है यार, एक सोच, वकार यूनिस की सोच और आपकी सोच में यही फर्क है। के सरा सरा, आपने आपकी सोच क्या है, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं वकार यूनिस की सोच से नहीं, आपकी सोच क्या है कि बाबर ने और रिजवान ने जब इनिंग खत्म की, विराट कोहली जाके जब भी डाली उन्होंने हंसे मुस्कुराए तस्वीर, ठीक है, और उनकी सोच आज देख लीजिए। राज ने एक सुपर चैट भेजा है, वो कह रहे हैं कि वो यूएसए से हैं और जो मर्जी कहिए पाकिस्तान ने खेला तो अच्छा है, पाकिस्तान अच्छा खेला है इसलिए एंड अगेन उनको देखकर पाकिस्तान को आज एक संघर्ष वाला मैच, संघर्ष मतलब टाइट गेम, आई थिंक इट इज अ पोटेंशियल चैंपियन टीम इन दिस वर्ल्ड कप, सबसे कंप्लीट टीम वही है, साउथ अफ्रीका ऐसे ऐसे, वेस्ट इंडीज इधर, इंग्लैंड ठीक है एक मैच, ऑस्ट्रेलिया ठीक है एक मैच, टीम पाकिस्तान इंडिया इज नॉट अ बैड टीम, बट इंडिया डिड नॉट क्लिक ऑन डे वन। इंग्लैंड न्यूजीलैंड इज ऑल्सो नॉट अ बैड टीम, लेट मी से दिस, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया इतनी टीम अच्छी नहीं है, टीम बुरी नहीं है लेकिन उनके प्लेयर्स का फॉर्म नहीं, राशिका आई थिंक 2020 में ओके ओके ही है, मतलब उनके पास है, बट अभी तक देखिए क्या होता है, आप टीमों को हमेशा जज किया जाता है परफॉर्मेंस, अगर बाबर आजम पहले मैच में 8 पे आउट हो गए होते, आज 9 पे आउट हो गए होते तो आप कहते हैं कि यार बाबर का तो वर्ल्ड कप ही नहीं चल रहा है, लेकिन आज लोग उनके 9 रन की फेलियर को भुला देंगे बिकॉज ही स्कोर्ड रन्स अगेंस्ट इंडिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि अभी तक पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक सबसे अच्छा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, कोई शक नहीं है, सबसे अच्छा बॉलिंग अटैक, उस टोकरी में सब कुछ है, राइट आर्म लेग स्पिनर है, ऑफ स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है और दो आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स है उनके पास। बट पाकिस्तान की किस्मत भी अच्छी है, दोनों मैचों में टॉस जीते हैं, जब आप दोनों मैचों में देखिए इंपॉर्टेंट टॉस जीतना, किस्मत क्या चीज होती है, किस्मत यही होती है ना कि आप इंपॉर्टेंट दिन टॉस जीत जाए, उस दिन इंडिया अगर टॉस जीत गया होता द रिजल्ट कुड हैव बीन डिफरेंट, बट टॉस हार गए ना, आज न्यूजीलैंड टॉस जीत गया होता द रिजल्ट कुड हैव बीन डिफरेंट, माइनस वन, न्यूजीलैंड टॉस हार गया ना, सो कभी कभी ये होता है राशिका, तो मतलब फॉर्चून फेवर्स टॉस जीतो मैच जीतो वाला फंडा आपके सामने नहीं, बट उनकी बैटिंग मेरा मानना यह है जिस टीम, ठीक है मैं मानता हूँ विक्रांत सर बोल रहे हैं कि बॉलिंग अटैक उनका कंप्लीट है, बहुत अच्छा है, मैं मानता हूँ वैरायटी है सबसे बड़ी बात उनके, और वो भी वैरायटी मतलब अच्छे बॉलर्स की वैरायटी है। राहुल उनके पास 5 विकेट टेकिंग ऑप्शंस हैं, इवन मोहम्मद हफीज बॉल डालते हैं, इज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया की बात करो, इंडिया के पास जो ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट गेम 5 विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है, they may do well न्यूजीलैंड के मैच में, then we will reassess the situation। संयम सिंह है, 50,000 लोग हैं हमारे पास, thank you very much जी, संयम सिंह है by the way, मैं sorry, संयम सिंह अच्छा संयम सिंह नहीं है, है एन बीच में, बट उनका नाम संयम सिंह ही होगा, और ये गाड़ी बढ़ रही है, 52,000 लाइव वॉचिंग हो गए, बिल्कुल शायद 1,00,000 1,20,000 का जो हमारा रिकॉर्ड आया, मुझे अभी मैसेज हुई शायद आज लोग अभी जुड़ेंगे। संयम सिंह है वो आपको पूछ रहे हैं, मैं 2 सवाल ले लेता हूँ फटाफट। पहले संयम सिंह जी हैं, ये बोल रहे हैं सर व्हाई नॉट ग्रूम शार्दुल ठाकुर इन बैटिंग।